निकलने वाली पर्वत श्रेणियों की क्रम को यानी पामीर की गांठ से, पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों के क्रम को चार भागों में विभाजित किया जाता है। यानी पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी हमारे पास में जो पामीर की गांठ से निकलने वाली जो पर्वत श्रेणियां हैं उन पर्वत श्रेणियों को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमारे पास में कितने क्रम आते हैं, चार ऑर्डर ऑफ क्रम आते हैं। पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का प्रथम क्रम, यानी अब मैं यहाँ से आपसे एक एक क्रम की बात कर रहा हूँ। पहला, तो पहला हमारे पास में क्रम आ रहा है ए क्रम। ए क्रम देखिए, पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का प्रथम क्रम, कौन सा क्रम, पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का कौन सा क्रम, प्रथम क्रम। आप इधर डायरेक्शन को देखिए, इंडिकेट करिए, जहां पर ये मानचित्र आपके सामने पेश है इस मानचित्र में आप अवलोकन कीजिए कि यह पश्चिमी भाग है, यह पश्चिमी भाग है इस मानचित्र का। इस मानचित्र का उत्तरी है, इस मानचित्र का पूर्वी है, और इस मानचित्र का यह भाग कौन सा, पूर्वी है, ये दक्षिणी है, ये पश्चिमी है, ये उत्तरी भाग है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कौन से ऑर्डर की, प्रथम क्रम की। यानी हम कितने क्रम में बांट रहे हैं, चार क्रम में बांट रहे हैं। तो मैं इसके कौन से क्रम की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं इसके क्रम की बात कर रहा हूँ, प्रथम क्रम की बात कर रहा हूँ। तो मैं प्रथम क्रम की बात करूँ, जितने भी ये सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं इन सभी पर्वत श्रेणियों को हम कितने भागों में बांटेंगे, मात्र चार ऑर्डर ऑफ सीरियल में बांटेंगे, चार फेज में हम इनका विभाजित करेंगे। तो हमारे पास में जो पहला फेज आ रहा है, जो प्रथम फेज आया, उसकी मैं बात करूँ कौन सी दिशा की, यानी मैं पश्चिमी दिशा की बात कर रहा हूँ, यानी पामीर की गांठ के पश्चिमी भाग की बात कर रहा हूँ मैं, इधर की मैं सारी बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक एक को इंडिकेट करके बता रहा हूँ। ये यहाँ पर मैंने एक नंबर का क्रम डाला है, ये क्रम है यहाँ पर एक, आपको दिख रहा होगा। देखिए, यह यहाँ पर जो क्रम आया है यह एक नंबर का क्रम है। इस एक नंबर के क्रम की मैं आपसे बात करूं तो इसका जन्म कहां से हो रहा है, इसका जन्म हो रहा है पामीर की गांठ से, यानी इसका जन्म पामीर की गांठ से हो रहा है। तो कौन सी दिशा में है, पश्चिम में, पश्चिम में पामीर की, यानी एशिया महाद्वीप के पश्चिम में, अर्थात पामीर की गांठ के पश्चिम में। तो पश्चिम की ओर यदि मैं इसका विभाजन कर दूं तो पहला मेरे पास में ए का पहला सीरियल आता है कि पश्चिम की ओर, कौन सी ओर, पश्चिम की ओर की यदि मैं बात करूं तो मेरे पास में श्रेणी आती हैं। एक तो श्रेणी आती है मेरे पास में कौन सी, हिंदू कुश। एक श्रेणी तो मेरे पास में आ रही है हिंदू कुश, यानी पश्चिम की ओर जो स्थित हैं। तो पश्चिम की ओर एक तो कौन सी पर्वत श्रेणी है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, और दूसरी पर्वत श्रेणी कौन सी है,
एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी है, यानी एक तो मेरे पास में आ रहा है कौन सा भाग, एक तो मेरे पास में आ रहा है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, जिसको मैंने ऑर्डर ऑफ यानी फर्स्ट नंबर से यानी एक नंबर के क्रम से मैंने इसको इंडिकेट कर रखा है, ठीक है ना। और दूसरा मैंने पश्चिम की ओर, दूसरा ही मैंने पश्चिम की ओर, देखिए आप, दूसरा मैंने पश्चिम की ओर, यानी ये आ रहा है कौन सा, ये सीरियल नंबर कितना है, यह है सीरियल नंबर है 2, यह है 2 नंबर का सीरियल है। तो इस पर्वत श्रेणी को मैंने कौन सा नाम दिया है, एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी। यह दूसरे नंबर की जो श्रेणी है, इस श्रेणी को मैंने नाम दिया है एल्ब्रुज। मैं यहाँ इसका नाम भी इंडिकेट कर देता हूँ, इस पर्वत श्रेणी को हमने कौन सी पर्वत श्रेणी कहा है, एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी। इससे पहले जो हमारे पास में जो एक नंबर पर आया था, इसको हमने नाम क्या दिया है, इसको हमने नाम दिया है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। यानी मैं आपसे बात करूं तो पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का प्रथम क्रम, अब इस प्रथम क्रम को मैंने डायरेक्शन के आधार पर बांट दिया है। इसका मतलब प्रथम क्रम की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी दिशा में है। तो मैंने आपको बताया कि यह पर्वत श्रेणियां कौन सी दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम दिशा में है तो उनका नाम क्या है, इसका मतलब मैंने एक नंबर, देखिए मैंने एक नंबर पर क्या रखा है, मैंने एक नंबर पर तो रखा है आपके सामने क्या, हिंदू कुश, ये रहा हिंदू कुश, मैंने इसका नाम भी इंडिकेट कर दिया है। मैंने दो नंबर पर क्या रखा है, मैंने दो नंबर पर आपके पास में रखा है क्या, एल्ब्रुज, जिसकी समाप्ति कहाँ जाके हो रही है, आर्मेनिया की गांठ में जाकर के जिसकी समाप्ति हो जाती है। तो ये जो हमारे पास में क्रम आया, मैं इस क्रम की बात करूं, मेरे पास में जो पहला क्रम आया इसको मैंने एक नंबर दिया है, और एल्ब्रुज श्रेणी को मैंने कितने नंबर दिए हैं, दो नंबर, यानी इसको मैंने कितने क्रम पर रखा है, दूसरे क्रम पर रखा है। यानी एल्ब्रुज जो पर्वत श्रेणी, इसके बारे में कोई स्पेशल फैक्ट है, किसके बारे में, एल्ब्रुज के बारे में, ये रहा एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी कहाँ जाके ख़त्म हो जाती है, आर्मेनिया की गांठ पर, आर्मेनिया की गांठ पर क्या हो जाती है, इसकी समाप्ति हो जाती है। किसकी समाप्ति हो जाती है, एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी की समाप्ति कहाँ हो जाती है, आर्मेनिया की गांठ, मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ आर्मेनिया की गांठ, ये रहा देखो, यह जो हमारे पास में आ रहा है, मैं सिंबल को ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप ध्यान से अवलोकन करना, यह है आर्मेनिया की गांठ, यानी नोट ऑफ आर्मेनिया, आर्मेनिया की गांठ। मेरे पास में दूसरी पर पहली पर्वत श्रेणी आई हिंदू कुश, जो पश्चिमी भाग में स्थित है, यानी प्रथम जो क्रम है, प्रथम क्रम की जो हमने जो डायरेक्शन निकाली, तो प्रथम क्रम की इन संपूर्ण को हम चार डायरेक्शन में बांटेंगे। तो मैंने पहला जो क्रम लिया है उस क्रम को मैंने दिशा के आधार पर बांट दिया कि प्रथम श्रेणी की पर्वत श्रेणियाँ, तो प्रथम क्रम की पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कौन सी दिशा में है, पश्चिमी दिशा में है, वो पश्चिम दिशा में है। जब वो पश्चिम दिशा में है तो एक नंबर पर कौन सी है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, ये रही हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। नंबर दो पर कौन सी है, नंबर दो पर एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी है, तो एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी की समाप्ति कहाँ पर हो रही है, आर्मेनिया की गांठ पर जाके, और इस श्रेणी की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ कि पश्चिम की ओर ही सुलेमान पर्वत श्रेणी, यानी मैं पश्चिम की ओर ही चलूँगा तो हमारे पास में क्या आएगा, सुलेमान पर्वत श्रेणी, किरथर पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी, किरथर पर्वत श्रेणी और जेग्रोस पर्वत श्रेणियों के मैं आपसे बात करूँगा। तो मैं सबसे पहले बात करूँ सुलेमान की, देखिए आप, हमने दूसरा क्रम को आगे बढ़ा दिया है, देखिए आप दूसरे क्रम को आगे बढ़ा दिया है
ये रहा दूसरा क्रम एलब्रुज, और तीसरा जो हमारे पास में क्रम आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, सुलेमान। येरा तीसरा क्रम हमारे पास में, ये तीसरा वाला क्रम है, इसको कहा हमने कौन सा, सुलेमान श्रेणी। यह सुलेमान श्रेणी कहलाती है, यानी मैं तीसरे क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ आपके पास में, यह है सुलेमान श्रेणी, इसको हमने कहा है सुलेमान श्रेणी, जिसको मैंने तीन नंबर से इंडिकेट कर रखा है। यहाँ पर मैंने इसको तीन नंबर दे रखे हैं, इसका मैं नाम भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप देखिए कि यह आ रहा है, यह कौन सी श्रेणी है, यह है सुलेमान पर्वत श्रेणी है, यह पर्वत चोटी है, तीसरा क्रम। यदि मैं चौथे क्रम को आगे बढ़ाऊँ तो चौथा क्रम हमारे पास में आ रहा है, वह चौथा क्रम है हमारे पास में किरथर। ये रहा चौथा क्रम, इस जगह पर ये रहा चौथा क्रम, ये वाला भाग हमारे पास में कौन सा आ रहा है, किरथर पर्वत श्रेणी का आ रहा है। तो यह पर्वत श्रेणी है कौन सी, किरथर पर्वत श्रेणी, चौथे क्रम मैंने इंडिकेट किया है, उसको मैंने ऑर्डर ऑफ क्रम लिख रखा है। आप देखिए किरथर पर्वत श्रेणी को, चौथे नंबर वाली को, फिर भी मैं इसका नाम डाल देता हूँ, आप इसको ध्यान से अवलोकन करना, किरथर, यह किरथर पर्वत श्रेणी है। आगे मैं पांचवें नंबर पर चलूँ तो ये रहा पांचवा नंबर, ये रहा पांचवा नंबर, यह पांचवा नंबर है हमारे पास में। मैं इस पांचवें नंबर की आपसे बात कर रहा हूँ, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, यह नंबर पांचवा है, यह मैंने क्रम पांचवा लिख रखा है, आप देखिए ध्यान से, ये पांचवा क्रम है। इस पांचवे क्रम को जो मैंने नाम दिया है, वह पांचवे क्रम को मैंने नाम दिया है क्या, जिग्रोश। पांचवी जो हमारी पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, पर्वत चोटी कौन सी है, जिग्रोश पर्वत श्रेणियां हैं, यानी ये जिग्रोश, देखिए आप, ये रहा जिग्रोश पर्वत श्रेणी, यानी ये जो एशिया महाद्वीप है, यानी पामीर का पठार है, हमने इंडिकेट किसको कर रखा है, यानी जो हमने इंडिकेट कर रखा है, मुख्य रूप से हम बात करें, जो हमने इंडिकेट कर रखा है वह इंडिकेट कर रखा है जिग्रोश, यानी पामीर का पठार, पामीर के पठार के पश्चिम वाले भाग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो ये ऑर्डर ऑफ क्रम पाँचवा है, देखिए एक नंबर है हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है, दो नंबर एलब्रुज पर्वत श्रेणी है, तीन नंबर पर आप देखिए सुलेमान पर्वत श्रेणी है, चार नंबर पर ऑर्डर ऑफ चार देखिए किरथर पर्वत श्रेणी है, इसके अलावा पांच नंबर पर देखिए, पांच नंबर पर येरा पांच नंबर, यह नहीं है, यह तो ऑर्डर ऑफ सेकेंड है भाई, ध्यान रखना इसका, येरा पांचवा क्रम। इस पांचवें क्रम को मैं यहां लेके आ रहा हूं, और इस पांचवें क्रम को आप पढ़िए क्या, जिग्रोश पर्वत श्रेणी, कौन सी श्रेणी, जिग्रोश पर्वत श्रेणी के नाम से इसको मुख्य रूप से जाना जाता है, यानी जिग्रोश पर्वत श्रेणी, यानी जिग्रोश पर्वत श्रेणी के लिए भी एक टिप्पणी है, क्या टिप्पणी है, यह पर्वत श्रेणी कहाँ जाके खत्म हो जाती है, आर्मेनिया की गांठ पर समाप्ति, कहाँ समाप्त हो जाती है, आर्मेनिया की गांठ पर, कौन सी पर्वत श्रेणी की, जिग्रोश पर्वत श्रेणी की, जिग्रोश पर्वत श्रेणी कहाँ पर ख़त्म हो जाती है, यानी मुख्य रूप से बात करें आर्मेनिया की गांठ पर ख़त्म हो जाती है, यानी देखिए पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर जो हमने क्रम पढ़ा वो क्रम कितना पढ़ा, हमने पांच तक के क्रम को आगे बढ़ा दिया है। पहला हमारे पास में आता है हिंदू कुश, पहला वाला जो क्रम हमारे पास में आया वह क्रम कौन सा आ रहा है, हिंदू कुश का आ रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर हिंदू कुश, ये रहा आपका हिंदू कुश नंबर दो पर, ये रहा नंबर दो पर है, ये रहा एलब्रुज पर्वत श्रेणी, नंबर तीन पर ये रहा सुलेमान पर्वत श्रेणी,
नंबर चार पर ये रहा कीर्थर पर्वत श्रेणी, नंबर पाँच पर ये रहा जेग्रोस। तो मैंने क्रम को भी कहाँ तक बढ़ाया है, पांच क्रम तक आगे बढ़ाया। अब आप इधर देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पर सावधानी बरतनी है। ये पश्चिमी भाग है, ये एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग है। तो मैंने इस पामीर को आधार मान करके, किसको आधार माना, इस पामीर की गांठ को मैंने आधार मान लिया। मैंने जब पामीर की गांठ को आधार माना, इस पामीर की गांठ को जब मैंने आधार माना, तो पामीर की गांठ को आधार मान करके मैं इधर चला। तो पामीर की गांठ के इस मिड भाग से पामीर की गांठ के ये वाला भाग तो उत्तरी भाग, यानी ये एशिया महाद्वीप के तो पश्चिम में है, ये तो क्लियर है कि एशिया महाद्वीप के पश्चिम में। मैंने यहाँ एक लाइन बना दी, एक लाइन बना दी इस जगह पर। इस लाइन से ऊपर वाले भाग, यानी मैंने पश्चिमी भाग को ही दो भागों में, पश्चिमी दिशा को ही दो भागों में बांट दिया। यानी इस लाइन के, कौन सी लाइन के, यहाँ, यानी इस पामीर की गांठ के ये वाला भाग तो उत्तरी भाग है ये एक्चुअल में पश्चिमी, लेकिन पश्चिमी को ही मैंने दो भागों में बांट दिया। इससे ऊपर वाला भाग तो कौन सा कहलाया, उत्तरी, और इससे नीचे वाला भाग कौन सा कहलाया, दक्षिणी। लेकिन दोनों ही कहाँ पर स्थित हैं, पश्चिम में। ये देखो, मैंने दोनों को ही पश्चिम लिख रखा है। तो मैं यहाँ भी क्या लिख दूँ, मैं यहाँ भी पश्चिम लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन नंबर तीन, नंबर चार और नंबर पाँच, ये तो हैं कहाँ, दक्षिण में, यानी पश्चिम के दक्षिण में। तो यहाँ तो मैं लिख दूंगा कोष्टक में क्या, यहाँ तो मैं लिख दूंगा क्या, दक्षिण। और ये दोनों पर्वत श्रेणी कहाँ पर हैं, उत्तर में, ये पश्चिम के उत्तर में। तो मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगा, उत्तर। क्लियर ये चीज़ आपके, यानी मुख्य रूप से हम बात करें कि ये पांचों पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित हैं, पश्चिम में स्थित हैं। यहाँ तक तो क्लियर है हमारा, चलो आगे बढ़ाते हैं। आप ध्यान से सुनिए कि जब ये पर्वत श्रेणी पश्चिम में हैं, तो मैंने इसी पश्चिमी भाग को दो भागों में बांट दिया। और किसके आधार पर बांटा, अक्षांश के आधार पर बांटा। मैंने आधार किसको माना, पामीर के मध्य भाग को मान लिया। तो इसके ऊपर वाला भाग तो कहलाया उत्तर पश्चिमी, यानी पश्चिम का उत्तरी भाग, और ये कहलाया पश्चिम तो है ही, लेकिन पश्चिम का दक्षिणी भाग। तो तीन चार पाँच के क्रम को तो मैंने रखा पश्चिम के दक्षिण में, और एक और दो के क्रम को रखा मैंने किसके, यानी पश्चिम के मैंने उत्तर में रख दिया, पश्चिम के उत्तर में रख दिया। अब आप देखिए, एल्ब्रुज पर्वत और जेग्रोस पर्वत देखिए। एल्ब्रुज पर्वत तो ये रहा, एल्ब्रुज पर्वत तो ये रहा, और जेग्रोस पर्वत ये रहा। इन दोनों के मध्य में एल्ब्रुज पर्वत और जेग्रोस जो पर्वत है, इन दोनों के मध्य में, किनके मध्य में, एल्ब्रुज पर्वत के मध्य में और जेग्रोस पर्वत के मध्य में, और जेग्रोस पर्वत के मध्य में जो प्लेटू है, जो पठार है, उस पठार का नाम है ईरान का पठार, प्लेटू ऑफ ईरान, ठीक है ना। इस पठार का नाम है, मैंने यहाँ पर जो ये पठार है इस जगह पर, यहाँ पर ये पठार है, इस पठार का नाम है क्या, ईरान का पठार। यह है पठार है, कौन सा पठार, ईरान का पठार, इसको कहते हैं ईरान का पठार। ये पठार कहलाया ईरान का पठार। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर रखा है। तो जब भी मैं यहाँ नोट डाल के अलग से डाल देता हूँ, यहीं पर मैं एक नोट डाल रहा हूँ और नोट डाल के लिख रहा हूँ, क्या लिखें, एल्ब्रुज व जेग्रोस, किसके मध्य, एल्ब्रुज व जेग्रोस पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सा पठार स्थित है,
ईरान का पठार है। कौन सा पठार? ईरान का पठार स्थित है। देखो मैंने जहाँ पर ट्रिंकुलर बना रखा है, मैंने त्रिभुजाकार एक आकृति से मेंशन किया है येरा। ये तो आपकी दूसरे नंबर की तो एल्ब्रुज है और पांचवें नंबर की कौन सी है? जेग्रोस पर्वत श्रेणी है। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य में जो पठार स्थित है उस पठार का नाम क्या है? इस पठार का नाम है, मुख्य रूप से हम बात करें, ईरान का पठार। कौन सा पठार? ईरान का पठार। अभी हम इस टॉपिक को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आर्मेनिया की गांठ के पश्चिम में, किसके पश्चिम में? आर्मेनिया की गांठ के पश्चिम में। तो ये रही आर्मेनिया की गांठ। आर्मेनिया की गांठ के पश्चिम में दो पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। आप ध्यान से अवलोकन करिए और ध्यान से अवलोकन करके उधर देखिए, आप दो पर्वत श्रेणियां हैं, एक उत्तरी दिशा में और एक दक्षिणी दिशा में। येरा आर्मेनिया की गांठ, मैंने इसका नाम यहां पर इंडिकेट कर रखा है येरा। आप अवलोकन करिए इसको, येरा इस जगह पर यह है क्या? आर्मेनिया की गांठ, ठीक है। इस आर्मेनिया की गांठ के उत्तर में, तो आर्मेनिया की गांठ के उत्तर में येरा, आर्मेनिया की गांठ का उत्तर जहां मैं ट्रेसिंग कर रहा हूं, यह है आर्मेनिया की गांठ का कौन सा भाग है? यह आर्मेनिया की गांठ का उत्तरी भाग है। इस पर्वत श्रेणी ये क्रम कौन सा है? यह क्रम है 6 नंबर का क्रम। देखिए 6 नंबर का क्रम है, तो मैं डालूं, देखिए आगे बढ़ा रहा हूं मैं इस टॉपिक को। आर्मेनिया की गांठ के किसमें? पश्चिम में। तो मैं यहां पर डाल देता हूं वह बिंदु, आर्मेनिया की गांठ के, आर्मेनिया की गांठ के पश्चिम में। तो आर्मेनिया की गांठ के पश्चिम में आर्मेनिया येहरा, आर्मेनिया की गांठ के पश्चिम में, या आर्मेनिया की गांठ का पश्चिम है, इसका एक भाग उत्तरी, इसके उत्तर में 6 नंबर का क्रम है, और इसके दक्षिण में येरा, इसका दक्षिण आर्मेनिया की गांठ का दक्षिण है, येरा आर्मेनिया की गांठ का दक्षिण। इसके दक्षिण में क्रम कौन सा है? सातवां। तो जो छठवां क्रम है के पश्चिम में, के पश्चिम में यानी दो पर्वत श्रेणियां हैं आर्मेनिया की गांठ के पश्चिम में, उत्तरी व दक्षिणी भाग में दो श्रेणियां। अब वो दो श्रेणियां कौन सी हैं आप देखिए, यानी पांच क्रम तक को तो ये रहा जेग्रोस, अब मैं 6 नंबर के क्रम को बढ़ा रहा हूं, ये रहा 6 नंबर का क्रम। यहां पर देखिए आप, जो 6 नंबर का क्रम आ रहा है मेरे पास में, इसको मैं बोलूंगा पोंटिंग पर्वत श्रेणी। पोंटिंग पर्वत श्रेणी कौन सा क्रम? छठवां क्रम। देखिए ये रहा, आप आसानी से यहां इंडिकेट कर लोगे मैंने क्रम डाल रखा है, यही क्रम मैं यहां पर आगे बढ़ा रहा हूं। इसी क्रम से आप इस क्रम को यहां पर मैच करना, क्योंकि यहां जगह की थोड़ी सी कमी है इस मानचित्र, यहां मानचित्र का ट्रेसिंग है तो आप देखिए थोड़ी सी स्पेस की उपलब्धता कम है, तो यहां पर जो मैंने क्रम डाल रखा है यही क्रम को मैंने यहां मेंशन कर दिया, तो आप इस क्रम से इस क्रम को मैच करना है और यहां पर इस श्रेणी का आपको नाम इंडिकेट कर लेना है। तो यह छठवें नंबर की श्रेणी है पोंटिंग श्रेणी। तो यह कौन सी दिशा में स्थित है? पोंटिंग श्रेणी स्थित है उत्तरी दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तरी दिशा में, आर्मेनिया की गांठ के उत्तरी दिशा में। अब मैं सातवें क्रम की बात करूं, ये रहा सातवां क्रम, अर्थात आर्मेनिया की गांठ के दक्षिण में। तो आर्मेनिया की गांठ के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है? टोरस पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी?
टोरस पर्वत श्रेणी, यानी मैंने सातवें क्रम को आगे बढ़ा दिया है, यानी टोरस पर्वत श्रेणी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर यह आर्मेनिया की गांठ के कौन से भाग में है? यह दक्षिणी भाग में है। मैं आपसे बात करूँ दक्षिणी भाग की, आर्मेनिया की गांठ का दक्षिणी भाग सातवां क्रम, इसी सातवें क्रम को मैंने यहाँ सातवें क्रम में बदल दिया। इसका मतलब कौन सी पर्वत श्रेणी है? टोरस पर्वत श्रेणी है। छठवें में क्रम की बात करूँ आर्मेनिया की गांठ के पश्चिम में, तो पश्चिम, लेकिन पश्चिम का ही कौन, आर्मेनिया की गांठ का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। तो इसको मैंने कौन सा नाम दिया? पोंटिंग श्रेणी। कौन सी श्रेणी का नाम दिया है मैंने इसको? इसको मैंने नाम दिया है पोंटिंग श्रेणी को। तो आप देखो, हम यहाँ पर इस श्रेणी के क्रम को कहाँ तक बढ़ा चुके हैं? हम इस श्रेणी के क्रम को बढ़ा चुके हैं, यानी सात क्रम तक इस श्रेणी के क्रम को बढ़ा चुके हैं। सबसे पहला हमारे पास में आया हिंदूकुश, फिर आया एल्ब्रुज, फिर आया सुलेमान, फिर आया किरतर, फिर आया जेग्रोस, छठवां हमारे पास में आता है क्या, पोंटिंग, और सातवां हमारे पास में कौन सी श्रेणी आती है? टोरस पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? टोरस जो पर्वत श्रेणी है, यानी पोंटिंग और टोरस पर्वत श्रेणी के मध्य, यानी पोंटिंग और जो हमारी टोरस पर्वत श्रेणी है, इन दोनों के जो मध्य में जो स्थित है, यानी एक तो पोंटिंग और एक टोरस पर्वत श्रेणी के मध्य में, ये रहा देखो, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं ये वाली जगह की बात कर रहा हूँ आपसे, इस वाली जगह की, मैं इस वाली जगह की आपसे बात कर रहा हूँ, ये वाली जगह है यहाँ पर, मैं इस जगह को इंडिकेट कर रहा हूँ, यानी टोरस पर्वत श्रेणी के मध्य और किसके मध्य? पोंटिंग पर्वत श्रेणी के मध्य, यानी जो पठार है, उस पठार का नाम हमारे पास में क्या है? मैं यहाँ नोट डाल देता हूँ, आप नोट को थोड़ा सा स्पेशल देखिए, यहाँ पर मैं नोट डाल रहा हूँ। जैसे मैंने ऊपर नोट डाला था कि एल्ब्रुज के मध्य और जेग्रोस के मध्य कौन सा पठार है? ईरान का पठार है। वैसे मैं नोट डाल के यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ कि पोंटिंग वे टोरस श्रेणी के मध्य, यानी पोंटिंग और टोरस श्रेणी के मध्य एशिया माइनर अर्थात अनातोलिया पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? अनातोलिया का पठार स्थित है। किस किस के मध्य स्थित है मैं बात करूं आपसे? एक तो पोंटिंग पर्वत श्रेणी की और दूसरा टोरस पर्वत श्रेणी की। इन दोनों के मध्य जो स्थित है पठार, उस पठार का नाम है एशिया माइनर या अनातोलिया का पठार, अर्थात टर्की का पठार, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो हमने ओड्रोप क्रम कहाँ तक आगे बढ़ा दिया? हमने ओड्रोप क्रम बढ़ा दिया है सात क्रम तक, अर्थात हम कितने क्रम पढ़ेंगे? चार क्रम पढ़ेंगे। तो चार क्रम में से हमने एक प्रथम क्रम को पूरा कर लिया है। कौन से क्रम को पूरा कर लिया है? प्रथम क्रम को। तो प्रथम क्रम कौन सी दिशा में था? पश्चिम दिशा में। यदि आप यहाँ पर ऐसे नहीं समझो तो यहाँ पर आप दिशा डाल दो ऊपर, जिससे कि आप कन्फ्यूज नहीं हो, आपके संदेह नहीं हो। देखो मैंने यहाँ दिशा डाल दी है, प्रथम क्रम में कौन सी दिशा डाली है मैंने? पश्चिम दिशा डाली है। अब आप सेकेंड ऑफ ऑर्डर की हम और बात चल रहे हैं, बात करते हैं। दूसरा क्रम दक्षिण पूर्व की ओर विस्तृत है, दक्षिण और पूर्व की ओर, यानी ये तो दक्षिण है, ये तो दक्षिण है और ये पूर्व है। देखिए सेकेंड ऑर्डर ऑफ क्रम, यानी ये अपने पास में कौन सा क्रम आ रहा था? पहला क्रम। तो ये पहला जो क्रम था, इस क्रम को हमने ए नाम दिया, और मैं इस क्रम को नाम दे रहा हूँ क्या? बे। तो मैं क्या लिखूँ?
पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का द्वितीय क्रम,